पंजाब से हैं दर्शन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते हकीम साहब, हमने ना आपके दवा खाने से गोंद चिलगोजा मंगवाया था। वो हम एक चुटकी ले रहे हैं, जैसे आप बताते हैं थोड़े से गर्म पानी से ले रहे थे, तो वो खाने के बाद ना हमारे पैरों के तलबों में से गर्म गर्म होता है, गर्माहट हो जाती है, हाथ जलते हैं, हाथों के तलबे जलते हैं, तो ऐसे गर्माहट ही हो रही है और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है। कितने कौन से रोग के लिए लेते हैं आप? गूंद चिलगोजा लिया था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, हमारे बड़े दीदी हैं उन्होंने। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा देखो, थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं वो, थोड़ा सा कम करा दीजिए, जितना लेते हैं आधा करा दीजिए। और इससे प्यास लगती है, कन्फर्म लगती है, और गर्माई सी लगती है। मैं बताता हूँ कि ये दुनिया का सबसे तेज़ रॉ मटेरियल है, तो घबराए नहीं, थोड़ा सा कम कर दें। और इसबगोल की भूसी के साथ लेंगे ना, एक मैं कहता हूँ एक चम्मच या दो चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में या पानी में मिला कर लें तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी तो शुरुआत है, और ये एक चुटकी तो लेना ही होता है, थोड़ा सा और कम लेंगे तो ये 5-6 महीने चलेगा। और उस दौरान कभी भी आप की उम्मीद पूरी हो सकती है।